ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये हमारी न्यू क्लास है, मीन्स आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट और इसमें ये पढ़ेंगे कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन वो उतना ही आसान होता है, आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक दो बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह क्या रहा है। कह रहा है कि ऑब्लिक, ये ऑब्लिक लिखा हुआ है, ऑब्लिक शब्द का कौन सा बदला हुआ रूप होगा। हमें ये बताना है कि जब ऑब्लिक शब्द को हम बदलेंगे कैसे, इस क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार जब हम बदलेंगे तो उसका कौन सा रूप, यानी कौन सा नया ये वर्ड फॉर्म होकर आएगा, बन करके आएगा, जब शब्द को उसके प्रत्येक स्वर को, यानी जो स्वर दिए गए हैं, स्वर जो दिए गए हैं इसमें जितने भी स्वर हैं, स्वर कौन कौन से हैं एक अभी थोड़ी, ठीक है उसमें बात करते हैं। जब प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के, दूसरे क्रम का मतलब होता है दूसरे नंबर के अक्षर से, ठीक है, कि अक्षर के अक्षर को प्रतिस्थापित करते हुए प्रत्येक व्यंजन को, अब जितने व्यंजन हैं उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित, यानी बदल दिया जाता है उनकी जगह, उनकी जगह पर उसका यूज कर लिया जाता है, तो आपको ये बताना है कि क्या बनेगा। देखते हैं फिर, ओ बी एल आई क्यू यू ई। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है जो चीज़ें लिखी हैं इसको हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। देखते हैं एक बार, थोड़ा सा इधर इसको और नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ओ बी L I Q U E, ठीक है दोस्तों। अब ये जो कह रहा है बस केवल उसको हमें समझना है। हमारे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस केवल हम इसको समझेंगे कि जिसमें जितने भी स्वर हैं, स्वर कौन कौन से हैं। स्वर आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, आपके स्वर जो होते हैं वो A E I O U, ये सब क्या होते हैं स्वर। बाकी जितने बच जाते हैं जेड तक वो क्या होते हैं आपके व्यंजन, ठीक है, व्यंजन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे स्वर कौन कौन से हैं इसमें। ये आपका स्वर है, ये आपका स्वर है, और ये आपका स्वर है, ये आपका स्वर है, यानी इस ऑब्लिक में आपके फोर स्वर हैं, ठीक है। तो हम पहले स्वर को ही देख लेते हैं। स्वर को ये देखेंगे कि कह रहा है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के, दूसरे क्रम का मतलब ये है कि अगर ये ओ है तो दूसरे क्रम का मतलब होता है कि इसके बाद दो लेटर, दो अक्षर बाद, यानी ओ के बाद क्या आएगा, एक पी आएगा, एक क्यू आएगा, तो यानी दूसरा अक्षर कौन सा होगा दूसरे क्रम का, क्यू होगा। तो यानी ये हमारा कहने का मतलब है कि अब इस ए की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो ये चीज़ हो गया, यहाँ क्यों हो जाएगा। अब फिर इसका देख लेते हैं, क्योंकि अभी इन लोगों को थोड़ा छोड़, पहले एक एक क्रम में देखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। सबसे बढ़िया तो तरीका हमारा यही है कि इसको छोड़ करके यहाँ आप लिख लीजिए जितने भी आपके स्वर हैं, ओ आई यू और ई, ठीक है। अब देखिए ओ के लिए क्या यूज होगा, ओ के बाद दूसरे नंबर पर जाएंगे, ओ के बाद पी क्यू, हमारा क्यू हो जाएगा। आई, आई के बाद दूसरे नंबर पे जाएंगे, आई के बाद क्या होता है जे, के हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ यू है, यू के बाद क्या होता है वी, डब्ल्यू हो जाएगा, और ई के बाद क्या होता है एफ और जी हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको हमने दो दो नंबर प्रतिस्थापित कर दिया, यानी दो दो जो प्लेस था इसका हमने चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो व्यंजन बचे हुए हैं, व्यंजन बोले तो B, L, Q इतने ही हैं। B, L, Q, सॉरी, ये हमारे व्यंजन हैं, ठीक है। हम इसको ये देखते हैं कि अब इसमें क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। और कर ये तो स्वर वाला हो गया, दो नंबर दो क्रम प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, अक्षर को प्रतिस्थापित करते हुए और प्रत्येक व्यंजन को, ये तो व्यंजन है हमारे, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से। देखिए वहाँ पे था दूसरे अक्षर से तो हमने दो जोड़ दिया, अब यहाँ बात कर रहा है तीसरे अक्षर से तो हम इसमें क्या करेंगे, तीन जोड़ेंगे। अब बी में अगर आप तीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी के बाद क्या होता है सी, सी के बाद सी डी
और ई, क्या हो जाएगा आपका बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो आपका ये ई हो जाएगा। एल, एल के बाद क्या होता है एम, एन, ओ, तो आपका ये ओ हो जाएगा। क्यू, क्यू के बाद क्या होता है आर, एस, टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर हमने इतना चीज़ इसमें कर लिया है तो जो ये क्वेश्चन हमारा है, अब उसकी जगह ओ की जगह हमने क्या लिखा था क्यू, तो ओ की जगह हम किसका यूज कर लेंगे, ओ की जगह हम क्यू का यूज कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू। बी की जगह क्या आया है ई, क्यू ई। एल की जगह क्या आया है एल, ओ। आई की जगह क्या आया है के। क्यू की जगह क्या आया है टी। यू की जगह क्या आया है डब्ल्यू। और ई, ई की जगह क्या आया है जी। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कैसे, देखिए फिर से एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत आराम से समझते हैं, क्योंकि इसमें लिखा बहुत बड़ा गया है, आप उस पर ध्यान दीजिए ही मत, केवल कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो ये देखिए कह रहा है कि जैसे ऑब्लिक, ऑब्लिक शब्द को कौन सा बदला हुआ रूप होगा, यानी इसका जो बदला हुआ रूप होगा जब हम बदलेंगे, जैसे हमने ये था तो चेंज किया तो ये आया, ठीक है, होगा जब शब्द को उसके प्रत्येक स्वर को, जितने उसमें जो प्रत्येक स्वर हैं, स्वर का मतलब ए ई आई ओ यू, ये पांचों में से जितने भी हैं ए ई आई ओ यू अगर यहाँ मिल रहे हैं तो उनको हम प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि उनकी जगह चेंज करना, उनकी जगह किसी और को यूज करना, लेकिन कितना प्रतिस्थापित करना है तो उसमें से दो प्रतिस्थापित दूसरे नंबर पर, यानी कहने का मतलब दो उसमें से हमने प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ओ को दो प्रतिस्थापित करिए पी आएगा, पहला पी हो जाएगा और दूसरा क्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे क्रम के अक्षर से प्रतिस्थापित हमने उसको चेंज कर दिया, फिर उसके बाद कह रहा है करते हुए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के तीसरे अक्षर से, तो जो स्वर थे उनको दूसरे अक्षर से हमने चेंज किया और जो व्यंजन है उसको हमने तीसरे अक्षर से चेंज किया, तो ठीक है, तो तीसरे अक्षर से चेंज किया तो यही तो है हमारा। देखिए इसमें हमने प्लस तीन किया है, इसमें प्लस तीन किया है, इसमें प्लस तीन कर दिया है, तो ये चीज़ हो गया। अब आपको उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी, क्योंकि जो हम बता रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं, ये तरीका थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो आपसे गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है, आप ऐसे करोगे तो आपसे वो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन या हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं कि अपने नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप का मतलब कोई टाइप तो वही है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या कैसे कहा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, बस हमें समझना है। चीज़ें बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे उसी के जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बाकी टाइप वही है, क्वेश्चन भी वही है लगभग। मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल, एक मीनिंगफुल आपको वर्ड लिखा हुआ है कि सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। वर्णमाला का मतलब क्रम होता है कि जैसे ए से लेकर के पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी, डॉट डॉट डॉट, फिर जेड आता है, तो यही होता है वर्णमाला का क्रम। ये क्या होता है, वर्णमाला का क्रम, तो जो वर्णमाला का क्रम होता है वो यही होता है ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, इनमें से प्रत्येक उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। तुरंत आने वाले बाद का मतलब ये होता है कि ए के तुरंत बाद क्या आता है बी, यानी जहाँ ए होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बी, बी के बाद क्या आता है सी, तो बी की जगह सी लिख देंगे डी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ए सी डी और ये सब लिखा हुआ है तो ए के बाद तुरंत क्या आएगा बी, ठीक है दोस्तों, सी के बाद क्या आएगा डी, डी के तुरंत बाद क्या आएगा ई। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यही से बोला जा रहा है, ठीक है, बस हमें समझना है थोड़ा सा और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए देखते हैं कि तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, फिर उस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी। तो देखिए इसमें दो चीज़ करने के लिए कह रहा है, पहले तो हम इसको वर्णमाला के क्रम में करें, ठीक है, पहले हम इसको क्या करेंगे वर्णमाला के क्रम में करेंगे, फिर उसके बाद वो जो वर्णमाला का क्रम हमारा नया बनेगा उसमें से क्या करेंगे कि उसके अगले वाले अक्षर से उसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि इसको वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंगफुल, एम ई ए एन आई एन जी, मीनिंग एफ यू एल, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो इसको अगर हम वो करेंगे,
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। जो वर्णमाला का क्रम है वो क्या होगा? तो वो यही होगा कि सबसे पहले ए आता है तो ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए के बाद बी आता है, बी में कहीं नहीं है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, डी भी नहीं है, फिर ई आता है तो ई आपका मिल जाएगा, ई के बाद एफ आता है, एफ भी है आपका, फिर जी आता है, एच आता है, एच नहीं है, आई आता है, जे आता है, जे नहीं है, फिर के आता है, के नहीं है, एल एल है, एल के बाद एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर एस टी यू, यू है। अब आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वर्ड गेम मिस हो रहा है तो मैं देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा एन जो है दो बार आया है, तो हम एन को क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे, एन को दो बार लिखेंगे, फिर आपका यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो गया, ठीक है, लेकिन इतने पे हमारा आंसर नहीं है। आंसर तो ये कह रहा है ना कि पहले उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमने क्रमबद्ध कर लिया, फिर उसके बाद कह रहा है कि उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, यानी अब इनके जस्ट बाद जो अक्षर आएगा उन्हीं से इनकी हम इनको प्रतिस्थापित कर दें, इन प्रतिस्थापित कर देंगे और इनकी जगह उस अक्षर को हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसे अब ए के तुरंत बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में, ठीक है, देखिए उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब ए के तुरंत बाद क्या आएगा, अगर इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे तो ए के तुरंत बाद क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ ई है, ई के तुरंत बाद क्या आएगा, एफ आएगा, यहाँ एफ है, एक एफ के तुरंत बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी के तुरंत बाद एच, एच के तुरंत बाद, अब यहाँ पर जी के तुरंत बाद एच, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आपका जे आ जाएगा, एल है, एल, एल के बाद एम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एम है, एम के बाद क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा, एन है, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर एन है, फिर एन के बाद ओ आ जाएगा, यू है, और यू के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस चीज़ को हम कैसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझना था, ठीक है, आप थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप समझेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। बस कुछ कहा नहीं जा रहा था, उसको अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हमने इस चीज़ को क्रमबद्ध किया, क्योंकि पहले ए आता है, फिर इस तरह किया हमने, ए से लेकर जेड के रूप में इसको बनाया, फिर उसके बाद कह रहा है कि तुरंत उसके आने वाले अक्षर को हमें उससे प्रतिस्थापित करना है, यानी उसकी जगह उसकी प्लेस वैल्यू चेंज करनी है, उसका प्लेस चेंज करना है, ठीक है। तो ए का प्लेस, ए का प्लेस चेंज करेंगे किससे, बी से, क्योंकि जस्ट बाद बी आएगा, ई का किससे चेंज करेंगे, एफ से, जस्ट बाद वो आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और आप देख लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस भी करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें फिर से बताइए ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिया है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इस चीज़ को हमें समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए आपको अब समझ में आएंगी चीज़ें, अच्छे से आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि आर को आई कहा जाता है, यू को आर कहा जाता है, ई को टी कहा जाता है, और एस को पी कहा जाता है, पी को टी कहा जाता है, और टी को एस कहा जाता है, और आई को ई कहा जाता है, तो आपको ये बताना है कि परस्यूट, परस्यूट लिखा हुआ है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझना इसमें है और कुछ नहीं है। जैसे हमने लिखा, पहले ये चीज़ देख लेते हैं किसको क्या कहा जा रहा है। आर के लिए कौन सा कोड है, आर के लिए आई, यू के लिए आर, ई के लिए टी, एस के लिए पी, एस के लिए पी, पी के लिए टी, पी के लिए एस को पी, और पी को टी कहा जाता, पी को टी और टी को एस कहा जाता है, और टी के लिए एस, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको यही चीज़ें देखनी है और यही सब करना है, बाकी इसमें कुछ करना वरना है नहीं, ठीक है, हम देखते रहते हैं। बाकी कोड हमें पता हो गया, हमें लिखना क्या था, परस्यूट, पी ई आर एस यू आई टी, यही हमारा वर्ड था,
ठीक है दोस्तों, यही हमारा वर्ड था और इसको हमें केवल समझना है कि इसमें क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो बस इसको प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब समझते हैं? प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि अब जिसके लिए जो कोड यूज हो रहा है वही हम कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा कोड है वो किसके लिए क्या क्या यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसके लिए हमारा कौन सा कोड यूज हो रहा है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझ लेंगे इसमें क्या कैसे हो रहा है क्या कैसे नहीं। जब कोड हमारा क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें भी हमारी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको जो बता रहे थे वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बस फिर से ही देखते हैं। कोड तो हमारा पता ही हो गया है, पी के लिए यू, ठीक है, पी के लिए यू, टी के लिए एस, जो भी है। अब परस्यूट लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। पी के लिए हमारा कौन सा कोड है? पी के लिए यू, ठीक दोस्तों। ई, अब ई के लिए हमें देखना है क्या था, ई के लिए टी था। आर, आर के लिए क्या था, आई था। और एस, एस के लिए क्या था, एस के लिए हमारा पी है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखें तो समझ में आएगा ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, पी के लिए यू, ई के लिए टी, आर के लिए आई और एस के लिए पी और यू के लिए आर और आई के लिए, आई के लिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आई को ई कहा जाता है। ठीक है, तो आई के लिए ई हो जाता है और टी के लिए एस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, ये तो हमने बता ही दिया था कि आर को आई कहा जा रहा है, यू को ई कहा जा रहा है, ई को टी कहा जा रहा है, एस को पी कहा जा रहा है, पी को यू कहा जा रहा है, टी को एस कहा जा रहा है और आई को ई कहा जा रहा है, लिखा जाता है। तो परस्यूट को क्या लिखा जाएगा, ये परस्यूट एक वर्ड है, इस चीज़ को हम इसके अनुसार अगर प्रतिस्थापित करेंगे, इसके अनुसार अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो बस पी को यू लिखा जाता है, ई को टी लिखा जाता है, आर को आई लिखा जाता है, एस को आपको पी लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें कोड के अनुसार हम कोडेड कर दे रहे हैं, बाकी आपका जो आंसर आएगा, जो नया वर्ड आपका बन करके आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसके लिए ये आंसर सही है। अब क्या हो जाएगा, यू टी आई पी आर ई एस। तो कहने का मतलब उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ें ऐसे आ रही हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, तो ठीक है हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि अपने नीचे वाले क्वेश्चन को इसको अपने बता सके अच्छे से। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, बाकी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो भी ऐसे ही है, बस कोडेड वाला काम है, उसके बाद ये टाइप हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसी चैप्टर में, अल्फ़ाबेट टेस्ट के ही चैप्टर में हम नेक्स्ट टाइप में चलेंगे और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि रीजनिंग तो आपको एक बेसिक ही मेथड से, हमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक वहाँ आपको मिलेगा, लेकिन बेसिक से ही आपको ऐसे समझा दिया जाए, आपको ऐसे बता दिया जाए कि आपको कहीं भी कभी भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले देख कर आंसर मारो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो बेसिक तरीका होता है वो आपको बहुत अच्छा होता है, आप कभी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिक क्या होता है कि हमारे दिमाग में नहीं रहती है, लेकिन अगर बेसिक के बारे हम पढ़ लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आप कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेसिक समझने की कोशिश किया करिए, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ा करिए। ठीक है दोस्तों, अब इस पर बात करते हैं। यहाँ कह रहा है यदि आर को एन कहा जाए, ठीक है लिख लेते हैं, आर के लिए एन का कोड यूज कर दे रहा है, डी को टी कहा रहा है तो डी के लिए टी कह दे रहा है, आई को यू कह दे रहा है, आई को यू कहा जा रहा है, ओ को आई कहा जा रहा है, ओ को आई कह दे रहा है, ई को आर कह दे रहा है, ई के लिए आर का कोड यूज हो जा रहा है, टी को ओ कह रहा है, टी के लिए ओ का कोड है और यू के लिए डी का कोड है, यू के लिए डी है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है एन को सी कह रहा है, अब यहाँ एन भी है, लिख लेते हैं उसको भी, एन को सी बोल दे रहा है और सी को ई बोल रहा है, सी को क्या कह रहा है, ई कह रहा है। तो द्वारा दर्शाया जाता है, तो शब्द इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस आई एन टी आर ओ डी यू सी ई, आपको ये बताना है कि इंट्रोड्यूस को किस प्रकार लिखा जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुछ नहीं करना है, बस इन चीज़ों को इनके अनुसार बस फॉर्म कर देना, चेंज कर देना है। वो जैसे जैसे कोड हमें बता दिया वैसे वैसे करना है। बस आँख मूंदिए और कुछ मत करिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई, आई की जगह हम किसको यूज कर रहे हैं, यू को। ठीक दोस्तों, एन, एन के लिए कौन सा कोड है, सी। ठीक है, अब टी, टी के लिए कौन सा कोड है, इसमें से देख लीजिए, ओ। ठीक है, आर, आर के लिए कौन सा कोड है, एन। ठीक है, आर के लिए एन, उसके बाद ओ, ओ के लिए आई, ओ के लिए कौन सा है, आई। और उसके बाद डी, डी के लिए कौन सा है, टी। डी के लिए कौन सा है, टी। फिर उसके बाद कौन सा है, यू, यू के लिए कौन सा है, डी। यू के लिए कौन सा है, डी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका, सी, सी के लिए कौन सा है, ई। सी के लिए कौन सा है, ई। उसके बाद ई आ जाता है, ई के लिए कौन सा है, आर। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, इंट्रोड्यूस, आई के लिए प्रतिस्थापित हमने किया, यू हुआ, एन को किया तो आपका सी हुआ, आर को किया तो आपका ओ हुआ, सॉरी, टी को किया तो आपका वो हुआ, आर को किया मैंने तो एन हुआ, ओ को किया तो आपका एन हुआ, डी को किया तो टी हुआ, यू को किया तो आपका आई टी हुआ, सी को किया हमने तो डी हुआ। अच्छा, एक ही चीज़ हमने डबल कर दिया है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, उसके लिए आप ध्यान मत दीजिए। तो ये चीज़ समझ रहे होंगे ना कि बस जो जो चीज़ बोले, जैसा जैसा बोले, हमें उस चीज़ को उठाना है और उसके लिए क्या करना है, जो जैसा बोल रहा है वैसे कुछ नहीं करना, बस ऐसे कोडिंग कर देना इसका। बस जिस वर्ड के लिए जो वर्ड बोला जा रहा है, जिस वर्ड के लिए जो वर्ड कहा जा रहा है, बस उसको पकड़ना है, उसके लिए देखना है कौन सा वर्ड है, और उसको हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, उसकी जगह उसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट टाइप था अल्फाबेट टेस्ट का, और ये हमारा फर्स्ट टाइप आज खत्म हो जाता है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर कोई आपको दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं।